कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ हैं, खुद हरियाणा से ही हैं। हरियाणा में जो घटना घटी चंडीगढ़ में, आईएएस की बेटी के साथ, एक तो पहले आप कैसे दिख रहे हो और आप लोगों ने नोटिस दिया, क्या मांग किया है आप लोगों ने? हम इस पर नोटिस दिया है, जीरो आवर में मैंने नोटिस दिया है, मेरे और साथियों ने भी नोटिस दिया है। इस मामले को हम उठाना चाहेंगे ताकि सारा देश देखे, इसे गंभीरता से लिया जाए। और हम लॉ मेकर्स बनते हैं, अगर हम ही इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो कैसे होगा? आज के दिन सत्तारूढ़ दल कटघरे में खड़ा है, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं है। एक लड़की के साथ जो मामला हुआ है, उसको किडनैप करने की कोशिश की है, ना उसे गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक लिया है जितना लेना चाहिए था, जो हमें मालूम पड़ा है, और ना इनकी पार्टी ने। सब मुख दर्शक बने हुए हैं। आज देश में इस तरह की घटना होंगी और खुद भारतीय जनता पार्टी के फंक्शनरीज, उनके परिवार वाले इस तरह के काम करेंगे तो बेटियों को कौन बचाएगा? आप लोगों ने इस्तीफे की मांग की थी बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष की, और इसके अलावा कार्रवाई की मांग किया, क्योंकि बदला गया है बयान पुलिस प्रशासन की तरफ से, उस पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो किस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में आप लोग की तरफ से की जाएगी? हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, और हम चाहेंगे इसको, आज हम इसीलिए उठाना चाहते हैं कि इसको किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं बल्कि किडनैपिंग का मामला भी इसमें आना चाहिए, जो कि लड़की ने कहा है, उसका बयान दोबारा हो, ढंग से दोबारा उसका बयान होना चाहिए, सारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई एक तरफ होना चाहिए। और दूसरी ओर जो ये बात है इस्तीफा, बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, उनको कटघरे में खड़ा करिए, उनके बच्चों को कैसे संस्कार मिले हैं, घर में कैसे किया जा रहा है। तो सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इसे गंभीरता से लेते हुए खुद अपने जो अध्यक्ष हैं, दूसरे लोग हैं जिन्होंने, और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पिछले एक दो दिन में ऐसे कार्य किए हैं, उन पर सब पर सख्ती से कार्रवाई इनकी पार्टी को करना चाहिए। इस्तीफे से बात नहीं बनती। तो इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई हो, और कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में नोटिस दिया गया है कि इस पूरे मामले पर चर्चा हो, देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मसले पर क्या कार्रवाई होती है। इस समय कैमरा पर्सन देव मेहरा के साथ दिल्ली से नीरज कुमार।